नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। और दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल जेईएन एकेडमी पे। मैं मारुति तेतरवाल आपके लिए लाया हूँ करंट अफेयर्स की क्लासेस। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स के क्या क्या सुर्खियों में रहा उन पर चर्चा करेंगे, और जो एग्जाम के दृष्टिकोण से उपयोगी प्रश्न उत्तर है उन पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आज दोस्तों मैं लेके आया हूँ करंट अफेयर्स। दोस्तों, आज सुबह सुबह की एक खबर है, बहुत जरूरी खबर, जो आपको जानना भी जरूरी है, क्योंकि राजस्थान में आपको पता है रिट वाली चप्पल कितनी फेमस हो गई थी। उसके बाद दिनों दिन बत्ती लाल, बनवारी लाल, पता नहीं कौन कौन से भजन लाल, सब ने मिलके राजस्थान के जो अभ्यर्थी है उनका बेड़ा गर्क किया। तो आज दोस्तों सुबह की एक खबर थी, नकल गिरोह की संपत्ति को जब्त करेगी दोस्तों। एक बिल पास होने वाला है हमारी विधानसभा में दोस्तों, और जो भी पेपर आउट करेगा दोस्तों उसकी संपत्ति जब्त होगी, उसको 10 साल की सजा होगी दोस्तों। ये बड़ी बात है, 10 साल या 10 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा, और अगर अभ्यर्थी ने नकल करी तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान है दोस्तों। ये बहुत बड़ी खबर है, और जो ये बिल बनने जा रहा है दोस्तों, इसमें स्कूल और कॉलेज में होने वाले एग्जाम को भी इसमें इसके अंदर रखा गया दोस्तों। आपको पता है, कई बार आपने से सुने होंगे, यार मुझे बीएससी करा दे, मुझे बीए करा दे, के करवा देंगे, 5,000 रुपए दे दिए और डमी कैंडिडेट बैठ जाता है दोस्तों। ऐसा भी होता है राजस्थान में, इंडिया में ऐसा होता है, बिहार यूपी में और ज्यादा होता है। तो उसको रोकने के लिए भी हमारे सरकार ने अब सोचा है, देर आए दुरुस्त आए, ऐसा होना चाहिए था। तो दोस्तों ये है। उसके बाद ये है दोस्तों, परीक्षार्थी ने नकल की तो 3 साल की सजा। अगर परीक्षार्थी खुद भी नकल करता पाया जाता है तो 3 साल की सजा है और 1,00,000 रुपए का जुर्माना है दोस्तों। बहुत ऐतिहासिक ये कानून है वैसे तो, 1992 में दोस्तों, 1992 में ऐसा कानून पहले से ही है सर, पहले से ही, लेकिन वो ठीक से नहीं था, उपयोगी साबित नहीं था, लगातार पेपर आउट हो रहे थे, तो सरकार ने संज्ञान लिया और उसमें कुछ संशोधन किए, एक नए सजा और जुर्माने के साथ ये कानून आ रहा है दोस्तों। लेकिन दोस्तों जरूरी क्या है, आज आप देखते हो कानून तो बहुत सारे बने पड़े यार, रेप पे बना पड़ा है, क्या रेप रुक रहे हैं, चोरी पे बना है, हत्या पे रख, तो हमें जागरूकता, हम खुद को जागरूक होने की जरूरत है दोस्तों। हमारे आसपास कोई भी पेपर आउट करने की बात करता हो, पेपर लेने की बात करता हो, तो हमें तत्काल पुलिस को सूचना देनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि हम ही ये कर सकते हैं, सरकार से कुछ नहीं होना। ये कानून के कागज के कुछ सुलंदे हालांकि स्वागत है इसका, लेकिन ये दफन हो जाएंगे कागजों में, कई फाइलों में गुम हो जाएंगे ये कानून, और वापस वो डर्रा चलता रहेगा। तो हम लोगों को जागरूक होकर आगे आना होगा दोस्तों। और भगत सिंह भी वैसे कह गए थे कि जो क्रांति है, जो बदलाव है, वो युवा सिस्टम बदल के ला सकते हैं, बाकी तो सब वो वहम है, उसको क्या करें। तो दोस्तों, अगर परीक्षार्थी खुद भी करता पाया जाता है तो 1,00,000, जैसे कुछ लोग रिट की चप्पल लेके खुद बैठे थे वहां पे और कर रहे थे, तो वो वैसी स्थिति में आपको 3 साल की जेल। तो दोस्तों ऐसा नहीं करिएगा, आपका करियर खत्म हो सकता है, और अगले 2 साल तक के लिए आपको किसी भी परीक्षा में बैठने से वंचित किया जा सकता है दोस्तों। तो बहुत अच्छा कानून है। इसी के साथ ही दोस्तों, अभी हाल ही में आपने देखा होगा 2022 में राजस्थान सरकार पहला कृषि बजट भी लेके आई दोस्तों, पहला कृषि बजट, कृषि बजट, राजस्थान का पहला कृषि बजट कौन सा था, तो 2022 दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है। ये भी राजस्थान के इतिहास में अपने आप में ऐतिहासिक तथ्य है दोस्तों। हालांकि ये पहला राज्य नहीं है, राजस्थान पहला राज्य नहीं है, इससे पहले तेलंगाना 2018 में दोस्तों, तेलंगाना जो है वो फर्स्ट राज्य बना था दोस्तों जो कृषि बजट लेके आया, फर्स्ट राज्य था जो कृषि बजट लेके आया तेलंगाना। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान होना चाहिए, राजस्थान के आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, क्योंकि राजस्थान के इतिहास में कृषि बजट अलग से पहली बार प्रारंभ हुआ है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी दोस्तों। अगर कुछ अलग करने की आपके लिए ख्वाहिश पाल रखी है, और आपको सबको पता है कुछ अलग करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, वरना उसी भेड़ चाल पे तो सारी दुनिया चल रही है, 130 करोड़ लोग चल रहे हैं। तो बात यही है, अगर कुछ अलग ख्वाहिश है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है दोस्तों। दिल और दिमाग दो चीज होती है दोस्तों, पता है, दिल और दिमाग, एक होता है दोस्तों दिल और दिमाग, दिल दिमाग, इधर होता है नौकरी दोस्तों। क्यों है मैं ये क्यूटो मोटिवेशनल क्यूटो लेके आया दोस्तों, क्योंकि आज जब बन चुका है, कानून भी बन चुका है कि पेपर आउट नहीं होंगे, पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मौका मिलेगा, उनकी सर्विस लगेगी, तो दोस्तों आज से मन में ठान लीजिएगा, जो विद्यार्थियों के जीवन में सबसे बड़ा बाधक है वही जो मैं लेके आया हूँ, उसी पे दिल और दिमाग दो चीजें, इधर एक नौकरी है, इधर एक छोकरी है, या इसको छोकरा भी कर सकते हैं दोस्तों।
पता है दोस्तों, दिमाग हमेशा कहता है कि सीधी राह पे चल, अपना नाम कर, करियर में आगे बढ़ और माता पिता की फिक्र को फक्र में बदल, और कोशिश कर कि अगली दिवाली जब भी मैं घर जाऊं तो अपने पैसे से लक्ष्मी पूजन करूं। ये रहता है दोस्तों दिमाग, और दिमाग ये कहता है कि मैं सीधा नौकरी ले लूं। और एक नौकरी लगने में दोस्तों मुझे लगता है कि जो वनडे एग्जाम है, किसी भी प्रकार का वनडे एग्जाम जो एक दिन में कंप्लीट हो जाए, उसके लिए 1 साल 1.5 साल की प्रिपरेशन इनफ सफिशियंट है, अगर मन लगा के दिमाग से की जाए तो। लेकिन अब दिल भी आता है, और दिल तो बच्चा है जी, भटक जाता है। तो बताए जाना यहां था दोस्तों, 1 वर्ष मान लेते हैं, लेकिन हमारा दिल कहता है, दिमाग को बहका देता है दोस्तों, ये दोनों पता है एक ही थाली के चक्के बट्टे हैं, और इन्हीं में बगावत करवानी है हमको दोस्तों। जो दिल कहे वो दिमाग को नहीं सुनना, जो दिमाग कहे वो दिल को नहीं सुनना, इनमें बगावत करवानी है, तभी कुछ अलग बनाया जा सकता है। दिल कहता है भाई चल ले, एक यार बनाते हैं, दोस्त बनाते हैं, पार्क चलते हैं, डेटिंग पे चलते हैं, घूम के आएगा, फिर वो पता नहीं कहाँ घूमने जाएगा, उसके बाद जब उसको होश आएगा, अभी तो ये बाकी है दोस्तों, ये बाकी है, ये आएगा फिर पता नहीं क्या क्या होगा, फिर ओयो जाएगा, ओयो के बाद फिर रिटर्न लेगा, उसके बाद नौकरी तक पहुंचेगा दोस्तों, तो उसमें टाइम निकल जाएगा आपका कितना ही, हो सकता है आप यहाँ तक पहुंचे ही नहीं। तो दोस्तों हमेशा जो दिल कहता है उसकी मत सुनो, ये बच्चा है, दिमाग यूज में लिया करो पढ़ाई के मामले में, अपने करियर के बारे में। तो दोस्तों यही था मेरा कहने का मतलब। तो अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत बहुत ही जरूरी है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, और आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो होने वाला है, एयर क्वालिटी इंडेक्स 2022। दोस्तों आपको पता है एयर क्वालिटी इंडेक्स IQAir, ये नाम की एक संस्था है वो जारी करती है, IQAir स्विस संस्था है, स्विट्जरलैंड की एक संस्था है, वो ये इंडेक्स जारी करती है दोस्तों, और एक बार फिर हमने नाम रोशन किया है। और वो ऐसे नहीं कि हमने कुछ बहादुरी वाला काम किया है, कोई मिसाइल छोड़ी हमने, कोई बांग्लादेश जैसा कोई देश बनाए, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। हम पोल्यूशन के मामले में हमारी जो राजधानी है दिल्ली, एक बार फिर से फर्स्ट पोजीशन पे है दोस्तों। बड़े शर्म की बात है, केजरीवाल सरकार लगातार पोल्यूशन कम करने के लिए प्रयास कर रही है, उसके बावजूद ही हालात देखने को मिलते हैं दोस्तों। दिल्ली में दोस्तों बहुत पोल्यूशन, मेरा दिल्ली में बहुत टाइम तक मास्क लगाना पड़ता था, हम तो कोविड, अब आज बाकी इंडिया बाकी दुनिया तो कोविड के बाद मास्क लगा रही है, दिल्ली वाले बहुत पहले से मास्क लगाते आ रहे हैं। मैं दिल्ली गया तो मुझे भी खरीदना पड़ा था सब, तो फर्स्ट है दोस्तों। तो ये था दोस्तों दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर दोस्तों। तो प्रदूषित शहर में दोस्तों एक और, दिल्ली का नाम तो हुआ ही हुआ, ये सबसे पोल्यूटेड कैपिटल ऑफ किसी कंट्री की है, कैपिटल है दिल्ली, लेकिन अगर शहर की बात करें तो राजस्थान का भिवाड़ी दोस्तों, राजस्थान का भिवाड़ी, अलवर में जो पड़ता है दोस्तों, अलवर भिवाड़ी में, और भिवाड़ी में इतना पोल्यूशन क्यों है आपको पता है, एक इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है वहां पे, इसलिए वहां पे पोल्यूशन भी है दोस्तों। जब मैं फर्स्ट बार दिल्ली जा रहा था तो मैंने देखा था, मैं क्या यार भिवाड़ी में इतना पोल्यूशन, मतलब हम कौन से अलग ही देश में आ गए यार। फिर जब ऐसे मैं आगे दिल्ली गया तो मेरा सारा भ्रम दूर हो गया, क्योंकि दिल्ली उसका ही बाप था तब, तो बहुत सारा पोल्यूशन है यार, क्लियर कुछ नहीं दिखता। उसके बाद दोस्तों गाजियाबाद का है, उत्तर प्रदेश का स्थान आता है गाजियाबाद, उसके बाद रोहतांग चीन का एक शहर है, उसके बाद दिल्ली का आता है, फिर जौनपुर है, फिर फैसलाबाद दोस्तों, ये वही फैसलाबाद है जिसे हम सयालपुर भी कहते हैं, जहाँ भगत सिंह का जन्म हुआ था, पाकिस्तान में पड़ता है आज, तो वहाँ, फिर नोएडा है, भालपुर है, पेशावर है, बागपत है, बागपत वही जहाँ से राकेश टिकैत आते हैं, किसान आंदोलन के जनक, तो वो भी है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ये किस आधार पे तैयार की जाती है दोस्तों, जो PM2.5, ये आपने देखा होगा कहीं पे लिखा होगा PM2.5, PM10, तो ये दोस्तों ये कणों के जो पार्टिकल्स है, डस्ट के जो पार्टिकल्स है, उनका साइज होता है माइक्रो नैनोमीटर में, साइज होता है बहुत ज्यादा, 2.5 बहुत छोटा साइज होता है, उसके बेसिस पे ये मेजर करते हैं और बताते हैं कितना पोल्यूशन इस शहर में है। तो ये पीएम, कई जगह आप PM10 देखोगे, कई जगह PM2.5 देखोगे, 2.5, तो ये 2.5 के आधार पे PM10 से भी मोटा कण होता है। तो ये था दोस्तों, और कितना घातक प्रदूषण है दोस्तों, मौत का चौथा सबसे बड़ा कारण भी वायु प्रदूषण है दोस्तों। 66 लाख मौतें वायु प्रदूषण की वजह से दुनिया में सालाना होती है, और 10 लाख मौतें 2019 में भारत में, दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर चाइना है दोस्तों। पॉपुलेशन भी चाइना की ज्यादा, तो पॉल्यूशन से भी ज्यादा मरते हैं हम, पॉपुलेशन पे दूसरे पे भी, तो पॉल्यूशन से मौतें भी दूसरे नंबर पे आते हैं दोस्तों। और ढाका दोस्तों, ढाका जो है बांग्लादेश से दोस्तों, अगर देशों की बात करें हम तो बांग्लादेश, कैपिटल तो दिल्ली है, सबसे पोल्यूटेड शहर है भिवाड़ी है, लेकिन अगर देश की बात करें तो वो आता है बांग्लादेश दोस्तों, अगर देश की बात करें तो बांग्लादेश वही दोस्तों हमारा पोता,
बांग्लादेश। ये फर्स्ट नंबर पे आता है पोल्यूशन के मामले, और इतना पोल्यूशन क्यों है दोस्तों? आपने देखा होगा बांग्लादेश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है, कपड़े बहुत ज्यादा बनते हैं। हमारे भी जो कपड़े आते हैं ना दोस्तों मेक इन इंडिया, उन पर टैग लगा दिया जाता है, वो बांग्लादेश से ही आते हैं सस्ते कपड़े। तो बहुत ज्यादा टेक्सटाइल के मामले में सुपर पावर है, ये बहुत तेजी से उभर रहा है एशिया में। तो यहाँ कपड़े से बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं और उससे पोल्यूशन होता है, तो पोल्यूशन के मामले में पहले नंबर पे बांग्लादेश है। सबसे पोल्यूटेड राजधानी पूछे दोस्तों, कंफ्यूज ना होना, फिर से कह रहा हूं मैं, सबसे पोल्यूटेड शहर जो है वो भिवाड़ी है, पोल्यूटेड राजधानी है वो दिल्ली है, और जो देश है वो बांग्लादेश है। तीनों ही फैक्ट याद कर लेना, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, 3 स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को। फिर से कह रहा हूँ, IQ Air स्विस कंपनी है, ये इसको जारी करती है दोस्तों, IQ Air। जो नेक्स्ट है दोस्तों, दस्तलिक युद्धाभ्यास किस देश के बीच किया जाता है दोस्तों? दस्तलिक नाम तो सुना ही होगा, दस्त हो जाते हैं अच्छे अच्छों को जब भारत और उज्बेकिस्तान एक्सरसाइज करते हैं, तो पाकिस्तान को होना बनता है क्योंकि पाकिस्तान का थोड़ा निकटवर्ती ये देश है, और दस्तलिक ये होता है। लास्ट टाइम दोस्तों ये रानी केट इंडिया में हुआ था, अब की बार ये उज्बेकिस्तान में हो रहा है दोस्तों। ये उज्बेकिस्तान की आर्मी है, ये इंडियन आर्मी है, दोनों के बीच संयुक्त जॉइंट एक्सरसाइज है दोस्तों। पर आपको पता है एक्सरसाइज कौन करता है? दो मित्र देश आपस में एक्सरसाइज करते हैं, एक दूसरे को सिक्योरिटी के लिए, जो सिक्योरिटी के रिगार्डिंग जो चीजें होती है, एक्सपीरियंस है, वो शेयर करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं, और हम चीन और पाक के साथ होते हैं, चीन और पाक क्योंकि हमारे दुश्मन देश है, चीन और पाक, इनके साथ हम कोई एक्सरसाइज नहीं करते दोस्तों, कोई एक्सरसाइज नहीं करते। और पाकिस्तान दोस्तों, अब हमने क्या किया, जो उज्बेकिस्तान हम आगे बताते हैं आपको, ये है दोस्तों सेंट्रल एशिया का मैप है, इसमें उज्बेकिस्तान यहाँ पड़ता है दोस्तों, ये रेड वाला जो है ये उज्बेकिस्तान है, और उज्बेकिस्तान की राजधानी है दोस्तों ताशकंद, ताशकंद यहाँ की राजधानी। और ताशकंद समझौता दोस्तों आपने सुना ही होगा, ताशकंद समझौता दोस्तों, ताशकंद समझौता क्या है कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताइए, कब हुआ था ये बता दीजिए। तो दोस्तों ये उज्बेकिस्तान और ये इसके नीचे जो पड़ता है तुर्कमेनिस्तान पड़ता है, तुर्कमेनिस्तान की सीमा जो है कैस्पियन सागर से लगती है, और ताजिकिस्तान की भी लगती है दोस्तों। तो ये देख लीजिए, कई लोग पढ़ाते हैं कि ताजिकिस्तान सबसे बड़ा लैंड लोक्ड कंट्री है, मतलब चारों ओर से समुद्र में उसके जमीन से घिरा हुआ है दोस्तों, कैस्पियन को सागर बोलते हैं। तो अगर टोफुली अगर लैंड लॉक बोला जाए तो उज्बेकिस्तान है ना कि ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान कभी लैंड लॉक नहीं है दोस्तों, क्योंकि कैस्पियन से पड़ता है। तो दोस्तों ताशकंद का मैं बताता हूँ, ये समझौता हुआ था 10 जनवरी 1966 किसके बीच हुआ था आपको पता है दोस्तों? 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, पाकिस्तान के कुछ घुसपैठियों ने जम्मू कश्मीर में अटैक किया, और भारतीय आर्मी दोस्तों लाहौर तक पहुंच गई थी लड़ते लड़ते, कुछ ही घंटों में कुछ ही दिनों में लाहौर पर कब्जा करने वाले थे, इतने भयंकर तरीके से लड़ते। और तब के जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से जब ये ताशकंद समझौता हुआ, हम जीतने वाले थे, लाहौर पे आक्रमण करने वाले थे, अमेरिका ने कहा ना ना ना, क्योंकि अमेरिका दोस्तों हमेशा पाकिस्तान को चाहता है, वो हमारा कभी नहीं था। 71 के युद्ध में भी वो पाकिस्तान के साथ था, 65 के युद्ध में भी वो पाकिस्तान के साथ था, और रशिया हमेशा से हमारे साथ रहा, इसलिए आज आप यूक्रेन रूस वार पे देखते हो हम बिल्कुल तटस्थ बने हुए, न्यूट्रल है एकदम, एक हमारे पे प्रेशर है कि इंसानियत के नाते यूक्रेन का साथ दे, लेकिन दोस्ती के नाते रशिया का साथ दे, ये भी हमारा बनता है, तो हम एकदम न्यूट्रल है। अभी कल ही यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हुई थी दोस्तों, उसमें वोटिंग हुई, तो हमने फिर से बायकॉट किया उस वोटिंग का, हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं हुए। तो ये सीधा संदेश जाता है कि ना तो हम यूक्रेन के खिलाफ है ना रशिया के साथ है, तो ऐसा हमारी विदेश नीति है। तो ताशकंद समझौता हुआ था दोस्तों, तो अमेरिका और रशिया ने कहा, और ये जो उज्बेकिस्तान है दोस्तों तब रशिया का ही पार्ट था, रशिया 1990 में टूटा था दोस्तों, इसको पहले सोवियत संघ बोलते थे दोस्तों, उसी का पार्ट था जिससे हमसे पाकिस्तान टूटा, बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, ये पहले हमारे पार्ट थे, तो ऐसे ही उज्बेकिस्तान पहले रशिया का ही पार्ट था। तो तब के रशिया में रशिया वालों ने बोला आओ हमारे ताशकंद में बैठक करो, समझौता करते हैं, अमेरिका भी आ रहा है, पर वो समझौता हुआ इतना घटिया किस्म का समझौता हुआ दोस्तों, हम जो लाहौर पे अधिकार करने वाले थे हमें कुछ नहीं मिला, वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर आज उन्हीं के पास है, तो बहुत। और हुआ क्या दोस्तों, और जो पंडित जो लाल बहादुर शास्त्री थे वो कभी ये समझौता नहीं करना चाहते थे, कभी वो ताशकंद नहीं जाना चाहते थे, उनको जबरन बुलाया गया। और हुआ क्या दोस्तों, 11 जनवरी की रात जब वो समझौता हो गया, उसकी नाइट में जब वो सोने लगे तो फिर उनका कभी सवेरा नहीं हुआ,
कहते हैं कि उनको जहर दे के मार दिया गया, कुछ कहते हैं उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन वो इतिहास के गर्व में है कि एक बहादुर प्रधानमंत्री जिनकी हाइट तो कम थी लेकिन उनके हौसले बहुत बुलंद थे दोस्तों। तो हम लाल बहादुर शास्त्री जो थे उनको खो दिया था हमने इसके बाद। लाल बहादुर शास्त्री क्या थे दोस्तों? सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे दोस्तों, दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। ये गांधी परिवार से नहीं थे, उसके बाजू के प्रधानमंत्री बने इंदिरा गांधी से पहले दोस्तों, हालांकि बहुत सारी अड़चने आई उस टाइम। तो लाल बहादुर शास्त्री दोस्तों इतने आसान थे, इतने साधारण व्यक्तित्व के धनी थे दोस्तों। अपने घर पे जब ये बताते थे कि ये जब प्रधानमंत्री बन गए थे दोस्तों, उससे पहले ये रेल मंत्री हुआ करते थे शायद, एग्जैक्ट याद नहीं है, मंत्री थे मिनिस्टर थे। तो जो मिनिस्टर थे तो घर पे उनकी वाइफ और बच्चे पूछा करते थे कि पापा आप कहाँ नौकरी करते हो? ये कहते थे मैं रेलवे में नौकरी करता हूँ, रेलवे में कलर की नौकरी करता हूँ। ये मिनिस्टर थे, इतने साधारण इंसान थे। तो बहुत जय जवान जय किसान का नारा उन्होंने दिया था दोस्तों, जय जवान जय किसान, पूछा जा सकता है जय जवान जय किसान। और इसमें एड कर दिया जो अभी नरेंद्र मोदी ने, जय विज्ञान साइंस, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी नारे में एड कर दिया दोस्तों, जय किसान जय जवान जय विज्ञान, ये अब ये नारा बन गया है। तो ये था दोस्तों इसकी कहानी। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। नाइट फ्रैंक के अनुसार ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स, ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है दोस्तों? नाइट फ्रैंक नाम की एक संस्था है दोस्तों, वो ग्लोबली 56 देशों का सर्वे करती है दोस्तों, 56 देशों का सर्वे करती है कि किस देश में किराए के घर में या जो भी प्रॉपर्टी का रेट है वो किस दर से बढ़ रहा है, किस हिसाब से बढ़ रहा है, उसका लेखा जोखा ये रखती है और उसी की रिपोर्ट जारी करती है दोस्तों। तो हमारा जो इंडिया है वो 51 पोजीशन पे दोस्तों, 51वीं पोजीशन पे जो है वो इंडिया है दोस्तों, 51वीं पोजीशन पे। और फर्स्ट पोजीशन पे तुर्की, आपको पता है दोस्तों लोग हनीमून मनाने जाते हैं वहाँ पे, बहुत खूबसूरत लेक्स है, वो खुद भूमध्य सागर में जो उसका टर्की दोस्तों जो है बहुत खूबसूरत शहर है दोस्तों। और जो लास्ट है दोस्तों उसमें आता है मोरक्को, मोरक्को जो है अफ्रीका का एक देश है, ऊपरी अफ्रीका नॉर्थ अफ्रीका में पड़ता है वो मोरक्को, लास्ट अंतिम कहता है, हम 51 नंबर पे है, पूछा जा सकता है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं विंग्स इंडिया 2022 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया, कहाँ विंग्स इंडिया कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया, कहाँ? तो दोस्तों विंग्स इंडिया क्या है दोस्तों? एशिया लार्जेस्ट इवेंट ऑन सिविल एविएशन। तो जो भारतीय एविएशन मिनिस्ट्री है, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो मिनिस्टर है, उन्हीं के मंत्रालय में 24 से 27 मार्च 2022 को हैदराबाद में बेगमपुर एयरपोर्ट दोस्तों, बेगमपेट एयरपोर्ट है हैदराबाद दोस्तों, हैदराबाद, जी हाँ वही हैदराबाद, सही सोच रहे हो, असुद्दीन ओवैसी वाला। तो वहां पे ये किया जाएगा दोस्तों विंग्स इंडिया 2022 का, तो ये हैदराबाद में किया जाना प्रस्तावित है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि एशिया का लार्जेस्ट ऐसा आयोजन है, एशिया में इससे बड़ा आयोजन कोई ऐसा होता नहीं है एविएशन के फील्ड में, तो दोस्तों ये है हैदराबाद में होने जा रहा है। उसके बाद दोस्तों इसी एविएशन सेक्टर की एक बहुत बड़ी स्कीम थी, आपको पता है मोदी जी जब बहुत विदेशों में घूम रहे थे खुद अकेले, सब कहते भी थे यार कि मोदी जी क्या कर रहे हैं विदेशों में घूम रहे हैं, मजे ले रहे हैं जिंदगी के, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं था। आज अपनी विदेशी नीति आप देख रहे हो, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान भी कहता है कि भारत की विदेश नीति अपने लोगों के लिए बनी है, तो वो उनका एक विदेश नीति का भारत के लोगों की सुरक्षा का एक मुद्दा था, उसलिए घूम रहे थे। और उसी के मद्देनजर उनको ये रियलाइज हुआ कि यार मैं घूम रहा हूँ, भारत का आम नागरिक चप्पल वाला आदमी भी फ्लाइट में उड़े, ऐसा मोदी जी का सपना था। और उस सपने को साकार करने के लिए उड़े देश का आम नागरिक, ये स्लोगन के साथ उन्होंने एक उड़ान योजना लॉन्च करी थी दोस्तों, कब? 2017 में उड़ान योजना चलाई 2017 में, उसका ध्येयवाक्य था उड़े देश का आम नागरिक, मतलब आप और हम उड़ सकते हैं। और उसका जो रेट रखा गया दोस्तों वो 500 किलोमीटर के लिए तो रखा गया, एक घंटे मतलब 500 किलोमीटर या एक घंटे की यात्रा के लिए 25 रुपए रखा गया। आप यहां से दिल्ली जाओ आधा घंटा लगेगा, 25 रुपए देने पड़ेंगे, इतनी सस्ती यात्रा थी। तो जाहिर सी बात है सब लोग उड़े, हालांकि विपक्ष कहता है कि इस तरह हम तो कभी उड़े नहीं, जबकि वो खुद चार्टर प्लेन में उड़ते हैं। तो एक अच्छी स्कीम थी ये भी, इसमें सब्सिडी दी गई एयरलाइंस के साथ,
एग्रीमेंट किए गए दोस्तों, और हमने भी इसका लुत्फ उठाया दोस्तों, इसलिए हमें पता है कि थोड़ा अच्छी सुविधा है। उसके बाद दोस्तों है प्रतिवर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है दोस्तों WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व जो मंत्रालय है ये मौसम विज्ञान मंत्रालय ऑर्गेनाइजेशन है UNO का, दोस्तों UN की एजेंसी है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन UN की एजेंसी है, और ये कब बनी थी? 1950 में बनी दोस्तों। हालांकि जुलाई 1947 में इसका एग्रीमेंट हो गया था, संधि हो गई थी, लेकिन ये ग्राउंड पे कब आई? 1950 में जब भारत गणतंत्र हुआ, तब ये विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व मौसम विज्ञान जो है ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई दोस्तों। इसका काम क्या है? ये बताता है कि कब बारिश होगी, पृथ्वी में क्या उथल पुथल हो रही है, कब क्या होने वाला है, कब तूफान आएगा, कब बारिश होगी, ये सब मतलब पृथ्वी से संबंधित, मौसम से संबंधित रिलेटेड आंकड़े, जो आंकड़े तो हमारे काम के नहीं है, पर ये क्वेश्चन 3 स्टार लगा लेना दोस्तों, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। ये दिवस कब मनाया जा सकता है? ये 23 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों, मतलब जिस दिन भगत सिंह को फांसी लगी थी उस दिन तूफान आया था दोस्तों, तूफान विश्व मौसम विज्ञान, याद रखने का सीधा सीधा तरीका है, 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी लगी तो तूफान आया था, तूफान एक मौसम से संबंधित घटना है, तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में उसको मनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों ये जो 21 मार्च है दोस्तों, 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था वानिकी दिवस, वानिकी मतलब पेड़। 22 मार्च को जल दिवस, जल दिवस, तो हमने पेड़ लगाया 21 को, उसके बाद 22 को पानी दिया, जल जल दिवस, उसके बाद 23 मार्च को तूफान आ गया दोस्तों, और उसके बाद 24 मार्च को दस तूफान आएगा, बारिश होगी, कीड़े मकड़े होंगे, लोग घबराएंगे, तो दोस्तों घबराहट और कमजोरी से बीमारी हो जाएगी, और वो बीमारी क्या होगी दोस्तों? टीबी। तो 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है दोस्तों, टीबी दिवस। तो दोस्तों अच्छे एक बढ़िया ट्रिक के साथ बता रहा हूं मैं, पहले हमने पेड़ लगाया, उसके बाद हमने उसको पानी दिया, पानी दिया, उसके बाद तूफान आ गया, क्योंकि भगत सिंह को फांसी भी लगी तो तूफान आना ही था, और तूफान आया तो तरह तरह की बीमारियां फैली और टीबी भी उनमें से एक है, बस यही हुआ। तो दोस्तों WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है, ये पूछा जाता है कि ये यूनाइटेड नेशंस की विशेषज्ञ एजेंसी है, तो वहाँ है क्या भारत इसका मेंबर है? दोस्तों भारत इसका मेंबर है, इंडिया इज ए मेंबर, यस यस। तो ईयर्स ऑफ फॉर्मेशन 1950 हमने बताया आपको, इसका हेडक्वार्टर है जो जेनेवा स्विट्जरलैंड में दोस्तों, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों, जेनेवा, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आते हैं कौन पाक जल संधि को तैर कर पार करने वाली सबसे तेज दोस्तों, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, और सबसे कम उम्र की तैराक बनी है दोस्तों, तो ये गुड़िया है, GRI इनका नाम है, हाल ही में ये मुंबई की रहने वाली है, और इन्होंने जो पाक जल संधि दोस्तों आपने देखा होगा, हम बताते हैं पाक जल संधि कहाँ है, अगर नेक्स्ट स्लाइड है तो दोस्तों पाक जल संधि का मतलब आप पाकिस्तान समझ जाइएगा, या पाकिस्तान के नीचे अरब सागर ना समझ जाइएगा, पाक जल संधि जो है वो भारत को श्रीलंका से विभाजित करती है दोस्तों, जहां से राम सेतु गुजरता है वहां पे पाक जल संधि है, तो हम आपको बताते हैं दोस्तों विद मैप, ये है इंडिया, इसके बाद दोस्तों यहां पे लटका हुआ है श्रीलंका, आपको पता है श्रीलंका, ये अपने को छोड़ने का नहीं दोस्तों, और यहाँ पे जो है वो राम, जिसे हम कहते हैं ना, जिसे राम, वो क्या मंदिर भगवान हनुमान वाला जो ब्रिज है, राम जा राम सेतु, तो यहाँ पे थोड़ा वो कटाफटा भाग है, मतलब जल संधि उसे कहते हैं जो दो समुद्र निकायों को आपस में जोड़ती हो, जो पानी की निकायों को, तो इधर है अरब सागर, इधर है बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर है, तो ये जोड़ती है अरब सागर को बंगाल की खाड़ी से, पाक जल संधि पूछा जा सकता है दोस्तों, मतलब यहाँ पानी का एक संकरा सा भाग जल संधि बोलते हैं, तो उसे को तैर कर पार किया दोस्तों इसने, GRI हजारों साल जो बैठी थी, GRI, तो इन्होंने 28 किलोमीटर तैर के पार किया दोस्तों, 28 किलोमीटर दोस्तों हमसे
200 मीटर भगा लो भाई साहब, मामला खराब है इधर। 28 किलोमीटर उन्होंने तैर के पार किया दोस्तों, मैं ठीक ठाक बनाया वैसे, नहीं बनाओ तो काम चला लियो। अब है दोस्तों बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिर से, हाल ही में महिला टेनिस खिलाड़ी, टेनिस है दोस्तों रेनिश नहीं टेनिश, टाइपिंग मिस्टेक, खिलाड़ी एशली बार्टी, नाम से तो बहुत कुछ समझ आ रहा होगा कि इंडियन तो नहीं है, ने संन्यास लेने की घोषणा करी, ये किस देश से संबंध रखती है? तो एशली बार्टी हाल ही में इन्होंने संन्यास लिया है 25 साल की उम्र में, और ये रहने वाली है ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों 25 साल की उम्र में संन्यास ले लिया दोस्तों इन्होंने, संन्यास सोचिए आप, 25 साल में हमारे को पता ही नहीं होता है कि ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है, नेट का एग्जाम भी कुछ होता है, आगे भी कुछ करना होता है, और ये 25 साल में बहन जी मतलब रिटायर होके घर बैठ रही है। हमें तो भाई साहब मतलब हमारे, देखो दोस्तों आप एक बहुत ही मैं जरूरी बात करूंगा यहाँ पे, हमारा जो एक सामाजिक ढांचा है, राजनीतिक ढांचा है, इतना गंदा बना दिया गया है कंपटीशन का, कि हमारे यहाँ पे कंपटीशन की तैयारी करने की उम्र होती है दोस्तों 40 वर्ष, हाईएस्ट एज होती है 40 वर्ष। यार दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताओ, इस आदमी में जो 40 वर्ष का हो गया, जिसको किताबों ने चूस लिया, 40 वर्ष के बाद इसमें कुछ बचे है? अगर इसका सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन हो जाता है तो अच्छी बात है, हालांकि कोई दिल पे मत लेना दोस्तों, कोई मेरी तरह कोई ज्यादा उम्र का भी है तो भी दिल पे ना लियो, लेकिन मेरा कहने का मतलब है, और ये जानबूझ के किया गया दोस्तों, हालांकि हम लोग भी अगर एक कुछ लोग कहते हैं कि एज कम कर दो, उनका हम लोग विरोध करते हैं, कुछ लोग विरोध करते हैं कुछ पक्ष में, सोचिए ना दोस्तों अगर 25 साल ही उम्र कर दिया जाए, या 30 साल कर दिया जाए, या 32 साल कर दिया जाए, तो एकदम तैयारी कर करा के फ्री हो जाए, एक नई राह पे आगे बढ़ेगा, सिलेक्शन होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर मतलब बूढ़ापा यार 40 साल का क्या बचता है आजकल, 45 साल में तो लोग हार्ट अटैक आ जाते हैं, गलत खान पान की वजह से इससे ज्यादा जी नहीं पा रहे, 40 साल की उम्र में नौकरी लगेगा। दोस्तों यहाँ पे सुधार की जरूरत है, और ये जानबूझ के नहीं किया जा रहा दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, सोची समझी साजिश है हमारे समाज के लिए, क्योंकि राजनेता जो है ना दोस्तों उनको ही संशोधन करना पड़ेगा विधानसभा में या संसद में, और वो करना नहीं चाहते, क्योंकि आप देखिए हर पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन होता है, पहलवान का बेटा पहलवान तो नहीं होता, शिक्षक का बेटा शिक्षक नहीं बनाते हैं, कलेक्टर का बेटा कलेक्टर नहीं बनाते हैं, लेकिन नेता का बेटा नेता कैसे बन जाता है भाई, सोचा है कभी आपने? क्योंकि उन्होंने 40 वर्ष तक हमको इधर उलझा के रखा है कि किताबें पकड़ा भी तुम पढ़ते हो, और उनके बेटे 25 के होते हैं उनको संसद का टिकट मिल जाता है, पार्लियामेंट का टिकट मिल जाता है, असेंबली का मिल जाता है, और सबसे कम उम्र के पार्लियामेंट्री मेंबर बन जाते हैं, असेंबली के मेंबर बन जाते हैं, रिकॉर्ड बना देते हैं, और हमें 40 साल तक किताबें पकड़ा दी उन्होंने। तो दोस्तों सोचने की बात है, और फिर हम और क्या करते हैं हमारे नेता नेता नेता, अरे भाई ये नेता क्या कर रहा है देख रहे हो, कभी उसने आवाज उठाई कि इन बच्चों की उम्र कम कर दो, या आगे लाइफ में कुछ और कर लेंगे अगर नहीं होगा तो, हालांकि जो मनमोहन गवर्नमेंट थी उन्होंने एक बार बात उठाई थी कि जो आईएएस है उसकी उम्र भी कम करते हैं, और उसका कोई एग्जाम नहीं लेते हैं, 12वीं पास 12वीं अंकों के आधार पर उनको ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद सीधा ज्वाइनिंग देते हैं, तो एकदम हंगामा खड़ा हो गया था भाई, क्योंकि कोचिंग सारे ठप हो जाते हैं, क्योंकि आईएएस की कोचिंग आपको पता है 2-2 लाख रुपए लगते हैं, तो सारे कोचिंग 5-5 साल तक वो तैयारी करते रहते हैं, तो वो उनके बल्ले बल्ले थी, रातों रात उस बात को इतनी दफन कर दी ना, तब आज तक वो बात उनकी दोस्त मान गई कि उम्र कम नहीं करना, और हम फिर भी उनके, हमारा मंत्री भाई साहब वो तो भगवान है हमारे लिए, अरे वो भगवान है, 40 वर्ष तक हमको किताबें पकड़ा दी उसने, और फिर उसके बाद पेपर आउट करवाते हैं वो लोग, कितना भी पढ़ लो हमारा तो वैसे भी हो ना। तो दोस्तों सोचने विचारने की बात है, नेक्स्ट टाइम जब आंदोलन किया जाए तो ऐसी बातों को भी किया जाए, ताकि समाज में कुछ सुधार हो सके दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कार्बन न्यूट्रल, खेती को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है दोस्तों, देश का पहला राज्य दोस्तों केरल। कार्बन न्यूट्रल क्या होता है दोस्तों, कार्बन न्यूट्रल का मतलब है जितना कार्बन उत्सर्जन हम एग्रीकल्चर करते हैं तो उससे उत्सर्जन जितना होता है उतना ही वापस जमीन में कार्बन समा जाए, मतलब सरप्लस कुछ ना बचे, कार्बन जीरो, नेट जीरो, मतलब नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हो जाए खेती में। तो ये शुरू करने वाला केरल पहला राज्य है, और लगभग 6 करोड़ रुपए का इसने पैकेज दिया है अपने बजट में, और दोस्तों नेट जीरो उत्सर्जन, नेट जीरो उत्सर्जन, इसके साथ एक क्वेश्चन और कर लो, वो छपता है हर एग्जाम में, आईएएस आरएएस में भी छपता है, नेट उत्सर्जन के मामले में भारत ने 2070 का टारगेट रखा है,
2070 तक भारत सरकार चाहती है कि हम कार्बन उत्सर्जन करना बंद कर दें। अब क्या क्या करेगी उसके लिए, क्या क्या इनिशिएटिव लेगी, आपको सब पता है। एक नई जो इलेक्ट्रिसिटी उसकी तरफ हम जा रहे हैं। तो और दोस्तों 2030 तक भारत सरकार का टारगेट है कि 50% इलेक्ट्रिक व्हीकल सड़कों पर उतार दे। ये भारत सरकार का टारगेट है 2030 तक 50% वाहन सड़कों पे इलेक्ट्रिक जोड़े। तो सीधी सी बात है, अगर इलेक्ट्रिसिटी से चलाएंगे तो कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा, तो धीरे धीरे 2070 तक कार्बन न्यूट्रल देश की तरफ आगे बढ़ेंगे। हालांकि कुछ यूरोपीय कंट्री है, यूरोपीय यूनियन है, अमेरिका है, वो 2050 तक है उसके आसपास अपने आप को न्यूट्रल घोषित करना चाहते हैं वो। हम थोड़ा लेट है क्योंकि हमारा विकास जो है, विकास यात्रा है, बहुत देर से शुरू हुई और आज भी इतनी मंद गति से आगे बढ़ रही है, आप सब उससे वाकिफ है। तो केरला बिकम्स फर्स्ट स्टेट ऑफ इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग, केरला है फर्स्ट। उसके बाद आता है दोस्तों सजलाम सुजलाम 2.0 अभियान, दोस्तों अभियान अभ्यास नहीं अभियान, किस मंत्रालय से संबंधित है दोस्तों सुजलाम अभियान दोस्तों? तो ये होगा जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय दोस्तों, पहले इसका वाटर मंत्रालय था, जल मंत्रालय था, मोदी सरकार आई तो इसका नाम चेंज किया था, जल शक्ति मंत्रालय। और ही पानी की रिगार्डिंग जो हर घर नल पहुंचाना है, वैसे कुछ जो स्कीम्स है उनके लिए काम करता है। और इसके जो मिनिस्टर है दोस्तों वो गजेंद्र शेखावत साहब है, गजेंद्र शेखावत। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों ये मिनिस्टर का नाम, क्योंकि हमारे राजस्थान से ही आते हैं और उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत को इलेक्शन में हराया था पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, तो इसलिए पूछा भी जा सकता है ये। तो जल शक्ति मंत्रालय के मिनिस्टर कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बात आती है ODF स्थायित्व सुजलाम अभियान। ये जो सुजलाम अभ्यास जो अभियान है, सुजलाम 2.0 है क्या दोस्तों? इसका सीधा सीधा मकसद है कि जो भी गंदा पानी की निकासी है, नालियां है, या जो शौचालय से जो पानी निकलता है, जो हम नहाते धोते हैं, जो गंदा पानी है उसको जमीन में वापस ऐसे ट्रीटमेंट करे कि उसको रीयूज कर सके, उससे पोल्यूशन ना फैले, वो गंगा नदी में ना गिरे, क्योंकि गंगा को भी अल्टीमेटली हमें साफ करना ही है। तो कुछ ऐसे इनिशिएटिव में लिए जाएंगे जिससे कि उसको गंदगी को मिटाया जा सके, एक स्वच्छता लाई जा सके और रिट्रीटमेंट किया जा सके पानी, ऐसी व्यवस्था इस अभियान में कीजिए। सुजलाम नाम से समझ आ रहा होगा, सुजलाम सु मतलब अच्छा, जलम मतलब जल, तो जल को अच्छा करने की, ये दोस्तों सु प्लस जलम, सु प्लस जलम। तो सु मतलब अच्छा, संधि विच्छेद करके कोई नहीं बताएगा दोस्तों आपको, यही देखने को मिलेगा, और जल का मतलब जल, अच्छा जल बनाने का एक अभियान है। तो ये हो गया होगा मुझे उम्मीद है आपसे। तो अपशिष्ट जल को गंदा जल कहते हैं और इसमें रसोई घर से, स्नान घर से, कपड़ों की धुलाई से और सार्वजनिक नल से जो पानी निकलता है, शोधन का यह अभियान है। सेकेंड है, पहले चला था शोधन का, फिर से चल रहा है और इस पानी को ट्रीटमेंट करना है दोस्तों। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा दोस्तों, 10 मार्च 2022 को राम मनोहर लोहिया की कौन सी जयंती मनाई गई? राम मनोहर लोहिया बहुत बड़ा नाम है दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में। राम मनोहर लोहिया के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता और इनकी 111वीं जो दोस्तों जयंती है वो मनाई गई कल 23 मार्च को। और इनका जन्म दो दोस्तों हुआ था 1910 में हुआ था, उनकी मौत मृत्यु हुई थी 1967 में हुई थी दोस्तों। बहुत कम उम्र में ये चले गए हिंदुस्तान को छोड़ के, लेकिन उनके जो दोस्तों ये है ना भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत अग्रणी रहे थे, गांधी जी के सहयोगी रहे थे, इनके पिताजी कांग्रेस में थे तो गांधी जी से मिले जाते थे, तो इनके पिताजी तो इनको साथ ले जाते थे। तो गांधी जी की इनमें संस्कार थे, एक समाजवाद की प्रबल भावना थी इनमें भी, क्योंकि गांधी जी का भी कुछ झुकाव वैसा ही था। तो इनपे भारत सरकार ने ₹25 का डाक टिकट भी 1977 में तैयार किया दोस्तों। 1977 याद रखने की जरूरत बिल्कुल ना है, मैं बता रहा हूँ 1967 में उनकी मृत्यु हुई, 1910 में इनका जन्म हुआ, 111वीं जयंती मनाई गई। और ये समाजवाद से प्रभावित थे और समाजवादी जो पार्टी है ना, जो जनसत्ता समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी दोस्तों ये पहले कांग्रेस में थे लेकिन उन्होंने 1955 में समाजवादी पार्टी की स्थापना कर दी दोस्तों, इस्तीफा दे दिया। और जो 1942 का जब भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान किया था महात्मा गांधी ने, उसमें जो भूमिगत रेडियो वाली एक्टिविटी थी, जो मैसेज पहुंचाना भूमिगत रेडियो के माध्यम से, जयप्रकाश नारायण हुआ, विनोबा भावे हुआ और ये राम मनोहर लोहिया, ये ऐसे ही लोग थे कुछ, तो उनमें ये भी एक थे जो भूमिगत गतिविधियों में रह के भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई ऊर्जा दी थी उन्होंने।
तो इनको बुलाया नहीं जा सकता दोस्तों, समाजवाद से प्रेरित है। और समाजवाद का सीधा सीधा मतलब मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था दोस्तों, समाजवाद मतलब कोई भेदभाव नहीं समाज में, सब लोग बराबर हो। अंबानी भी वही खाएगा पिएगा जो गरीब खाएगा, अंबानी भी उसी गाड़ी में चलेगा जो, और उसी हॉस्पिटल में सबका इलाज होगा। मतलब समाज का प्रभुत्व जो भी सामान हो, जो भी साधन हो, देश का हो, पूरे देश का हो, पूरे समाज का हो, वो समाजवाद था। और तो भगत सिंह भी समाजवाद ही चाहते थे दोस्तों, भगत सिंह, हालांकि स्टार्टिंग में नेहरू जी थे वो भी समाजवाद चाहते थे, लेकिन वक्त के साथ वक्त का पासा पलटा, 1991 में उनको थोड़ा थोड़ा कैपिटलाइजेशन अपनाना पड़ा। तो भगत सिंह भी थे, गांधी भी समाजवाद की तरफ झुके थे, और नेहरू भी थे कुछ कुछ। और इसी का प्रतिफल है दोस्तों कि हम रशिया की तरफ झुके हुए हैं दोस्तों, रूस, क्योंकि आपको पता है 1963 में, क्योंकि एक शीत युद्ध बहुत लंबे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, बस दोस्तों 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, 1945 में खत्म हुआ, उसके बाद शीत युद्ध बन गया था दोस्तों, अमेरिका उसमें जीता और अमेरिका और रशिया दो सुपर पावर बन के उभरे, दो ध्रुवीय दुनिया बन गई थी। तो एक ही समाजवादियों का था, एक पूंजीवादियों का था, हमारा कुछ था नहीं। तो नेहरू जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा यार थोड़ा हम आपसे लेते हैं, थोड़ा आपसे लेते हैं, थोड़ा समाजवाद अपनाया, थोड़ा पूंजीवाद अपनाया, मिक्स कर लिया, ना तेरे से दुश्मनी कर ली है ना तेरे से, और इन दोनों का रास्ता रशिया का और अमेरिका का, तो हमने बीच का रास्ता निकाल लिया। और गुट निरपेक्ष रहे, आपको पता है गुट निरपेक्ष आंदोलन को हमारे ही प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे, उन्होंने उसको निर्माण किया था, उसको आगे बढ़ाया था, आज भी उसी पे चल रहे हैं। यूक्रेन पे भी तटस्थता का मतलब ही गुट निरपेक्ष है। आज भी वो प्रासंगिक है दोस्तों, हमारी विदेश नीति में स्वतंत्रता के बाद से एक न्यूट्रल रहना, लेकिन न्यूट्रल भी ऐसे नहीं कि हमें कोई पूछे ना, हमें पूछता भी है, हम दखल भी देते हैं, लेकिन हम किसका पक्ष नहीं लेते। तो एक सॉलिड विदेश नीति हमारी स्वतंत्रता के बाद से ही बनी हुई है दोस्तों। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस वगैरह में कि क्या तटस्थता जो गुट निरपेक्षता है वो आज भी प्रासंगिक है, तो आज हमने यूक्रेन विवाद से बिल्कुल देख लिया, आज प्रासंगिक है वो। तो ये था दोस्तों समाजवाद, समाजवादी राम मनोहर लोहिया। उसके बाद नेक्स्ट जो चलते हैं दोस्तों, आपने सुना होगा क्वाड, बड़ा हॉट टॉपिक है दोस्तों। अभी इसी मार्च में स्टार्टिंग में बैठक हुई थी क्वाड के नेताओं की, क्वाड में शामिल कौन है दोस्तों, इंडिया है इधर, ये वर्ल्ड का मैप है दोस्तों, ध्यान से देखिए, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये एशिया है, और ये ऑस्ट्रेलिया दोस्तों। तो यहाँ पे जो उत्तरी अमेरिका में जो ये अलास्का प्रांत दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि अमेरिका दो तरह दो जगह कैसे, इसका जो ये प्रांत है ये अलग यहाँ से, यहाँ पे अमेरिका का कब्जा इतनी दूर आके यहाँ पे कनाडा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया दोस्तों, क्वाड्रिलेटरल डायलॉग जो है चतुर्भुज को संरचना बनाई। ये बनाने की जरूरत क्यों पड़ी दोस्तों, क्वाड जो है इसकी संकल्पना किसने की दोस्तों, इसकी संकल्पना जो थे जापान के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे साहब, बहुत लंबे समय तक जापान के प्रधानमंत्री रहे, जापान को एक वैश्विक शक्ति बनाने में आज के दौर में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा दोस्तों। तो उन्होंने 2007 में बातचीत चलाई जब मनमोहन सरकार बनी नई नई, तो यार क्योंकि आपको पता है दोस्तों जापान और चाइना है वो आपस में बहुत कट्टर दुश्मन है दोस्तों, इतने हम और पाकिस्तान नहीं है जितने जापान और चाइना, और दोस्त का दोस्त दुश्मन का दोस्त दोस्त आपको पता ही है। तो चाइना का दोस्त जो होगा दुश्मन नहीं होगा, हमारा दोस्त होगा। तो उसी शैल पे जापान ने हमसे कहा कि यार हम कुछ करते हैं, क्योंकि आपको पता है दोस्तों चीन कहाँ बैठे हैं, यहाँ पे चीन है, और ये एरिया पूरा है ना यहाँ पे है इंडोनेशिया, और यहाँ पे स्प्रेटली आइलैंड है दोस्तों, स्प्रेटली आइलैंड दोस्तों, पूछा जाता है स्प्रेटली आइलैंड कहाँ है, साउथ चाइना सी, स्प्रेटली स्प्रेटली आइलैंड मतलब स्प्रेटली द्वीप है, वो है यहाँ पे साउथ चाइना सी में, नाइन डैश लाइन भी उसके आसपास है, और नाइन डैश लाइन ठीक वैसा है जैसे हमारा राम सेतु कहते हैं, चाइना कहता है कि नाइन डैश लाइन जो है हमारा पूर्वजों से हमारा धार्मिक भी रहा है, मानते हैं हमारा एरिया रहा है वो, तो उसी के अनुसार वो दावा करता है कि पूरा साउथ चाइना सी जो है इतना था वो उसी का है, जबकि इंटरनेशनल जो लॉज है उसमें आपको पता है कि अलग अलग लाइन होती है, इकोनॉमिक अलग, कॉन्टिनेंटल अलग है, तो वो यहाँ पे घुसने की कोशिश करता है। तो इसी घुसने के चक्कर में यहाँ पे जापान पड़ता है, आपको पता है ये रहा जापान, जापान यहाँ पे, अमेरिका यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे इंडिया है। तो चार देश क्वाड के सदस्य है, तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, छपेगा दोस्तों इस पे 3 स्टार मार लो कि कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है, और उसमें ऑप्शन मिलेगा आपको ब्रिटेन, ब्रिटेन नहीं होगा दोस्तों,
उसमें ऑस्टन आपको पाकिस्तान में मिल सकता है, लेकिन उसमें होगा भारत होगा, जापान होगा, अमेरिका होगा और ऑस्ट्रेलिया होगा। अब ये तो समझ आता है कि दुश्मन है उसका दुश्मन दोस्त हो गया, तो चाइना का दुश्मन जापान भी है, चाइना का दुश्मन अमेरिका भी है, वो तो हमारे दोस्त बन गए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भाई साहब ये क्यों है इसमें शामिल? ऑस्ट्रेलिया की तो ना इससे हमसे दुश्मनी है ना उससे दुश्मनी है। तो दोस्तों इसको हमने जबरदस्ती बुला लिया। 2007 से बातचीत चल रही थी, 2012 में भी बातचीत चली, फिर नहीं माने, फिर मोदी साहब के शपथ ग्रहण समारोह में भी वो आए, नहीं वो नहीं आए थे, लेकिन 2014 में शिंजो आबे आए तो उन्होंने मोदी साहब को समझाया कि यार ऐसी ऐसी बात है, चाइना और हमारा डिस्प्यूट है और यहाँ पे कुछ हमारे आइलैंड्स को यहाँ पे कंट्रोल करने की सोच रहा है यहाँ पे, तो तुम आई के ग्रुप बनाते हैं। मोदी जी तब नए नए थे, उनको कुछ ज्यादा पता नहीं था, इसीलिए तो फिर वो जानने के लिए निकले, सारी दुनिया में घूमे, तो तब मना कर दिया यार तो बकवास बातें करता है फालतू में, हमारा क्या इंटरेस्ट यहाँ पे, हमारा तो हिंद महासागर में। बोला ठीक है बेटा। तो धीरे धीरे जब मोदी जी ने फाइलें देखी सारे उठा के, क्या चल रहा है, चाइना की पॉलिसी क्या है, तो उन्होंने 2017 में वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव शुरू कर दिया। दोस्तों वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव कभी और लेक्चर में बताएंगे। चाइना का ये पॉलिसी है कि वो भारत को चारों तरफ से घेर लिए, चाहे चीन बैठा है, इसकी पॉलिसी है कि इधर से ये घेर ले अपने को, इधर से श्रीलंका में भी बैठ जाए, मालदीव में भी बैठ जाए, ओमान ओमान सब जगह बैठ जाए, यूएई में, और भारत को चारों तरफ से घेर ले। तो हमने रणनीति बना दी, इंडिया हम भाई तेरे को घेरेंगे, जापान अमेरिका को इधर बैठा दिया, ऑस्ट्रेलिया को इधर बैठा दिया, जापान को इधर बैठा दिया, चाइना तू बाहर जाएगा, ओके तो तू डाल डाल हम बात बात। तो ये था, तो ऑस्ट्रेलिया नहीं आ रहा था साथ में, तो ऑस्ट्रेलिया को फिर सचिन वचिन को, धोनी कोहली को, विराट को, सबको बुलाया मोदी ने, यार भाई याद करने के लिए बता रहा हूँ कि तो यार मैक्सवेल के साथ खेलता है देख, क्योंकि हमारा और चाइना का युद्ध हो गया तो हम भी नहीं बचेंगे, तो विराट कोहली ने बचाया कि यार देख अपन साथ में खेलते हैं आईपीएल, अगर हमारा और चीन का लफड़ा हो गया कुछ तो बचेंगे नहीं, तो हम खेलेंगे कहाँ से आईपीएल, तुम्हारा भी घाटा हमारा भी घाटा, तो तुम्हारी सरकार में प्रेशर बनाओ, ऐसा एक ग्रुप बना रहे हैं उसमें शामिल हो जाओ, उसमें किसी का घाटा नहीं है क्योंकि हम मिलकर लड़ेंगे चाइना से, और एक ये दबाव बनाने की एक पॉलिसी है जो काम कर जाएगी तो ठीक है। तो दोस्तों ये हुआ क्वाड में, फिर से चारों देश शामिल हो गए, और इसीलिए ये 2017 में बना दोस्तों, 2017 में जब शिंजो आबे दोबारा से आए, शिंजो आबे दोबारा से 2017 में भारत आए, तो मोदी से मिले और इसको फाइनल रूप दिया, और आज हम समय समय पर इसकी ऑनलाइन पे बैठ के करते हैं और दबाव बनाने की कोशिश करते हैं चाइना पे कि अपने विस्तार ना करे, साउथ चाइना सी और इंडिया पैसिफिक जो ओरिजिन है ये प्रशांत महासागर है, यहाँ पे अपना जो क्षेत्र विस्तार है उसको ना करे दोस्तों। तो दोस्तों ये चीजें आपको समझ आई हो, पसंद आ रही हो, तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों, और कल क्या करंट अफेयर्स के साथ क्या एक्स्ट्रा एडिशनल टॉपिक ऐड किया जाए जिससे आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।